जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 3 दिसंबर की चौथी शिफ्ट में। हमेशा आपको कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है, तो जिन बच्चों का चौथी शिफ्ट में भैया, वो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कल भी चेंज मिला था आपको और आज भी थोड़ा सा क्या आपको चेंज मिला है क्वेश्चन में। हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जीके के क्वेश्चन। आपको कंप्लीट, जैसे आपका आज 4-3 दिसंबर की जो परीक्षा हो चुकी है, कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, सारे आपके जीके के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे। आप वहां टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आपकी डेली शाम को सारी शिफ्ट समाप्त होने के बाद आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी क्वेश्चन की। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन मिलता रहे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता चलता रहे। और सब्सक्राइब जरूर करना भैया। हम बात करते हैं, आपके क्वेश्चन क्या है आज? मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ये कुछ डांस है जो एसएससी के फेवरेट हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। जो आपका मोहिनीअट्टम है, जो क्या है, केरल राज्य का आपका लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम का नाम क्या है? मोहिनी शब्द से क्या है, लिया गया है। जो भगवान विष्णु का क्या है, एक अवतार है। मोहिनी क्या है, एक जो भगवान विष्णु क्या है, आपका अवतार है। मोहिनीअट्टम जो आपका लोक नृत्य कहाँ का है, वो केरल का है। जल्दी से आप कुचिपुड़ी नृत्य क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कहाँ का आपका कुचिपुड़ी लोक नृत्य। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, आप वहां जरूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका नीति आयोग के सीईओ कौन बनाए गए हैं? आपके जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, जब सबसे पहले आप ये बताओ अध्यक्ष कौन होते हैं, जो आपका उस टाइम जो आपका प्रेजेंट में जो पीएम होता है, वो नीति आयोग के क्या होते हैं, आपके अध्यक्ष होते हैं। जैसे आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके इस टाइम नीति आयोग के क्या अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने शुक्रवार को कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जॉब क्रिएशन के लिए है। उन्होंने प्रोसेस्ड सामानों के उत्पाद और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया है। जल्दी से आप सीईओ का भी कोई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया, आपका नीति आयोग के सीईओ कौन है। सबसे आपका देखो, आज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, आज अजमेर को किसने बनाया था। वैसे क्वेश्चन आसान है, स्टेटिक जीके का है। अजमेर जो है 27 मार्च 1112 ईस्वी को चौहान वंश के 23वें शासक राजा अजयराज चौहान, राजा अजयराज चौहान ने गढ़ अजमेरू की स्थापना की थी, तथा आपका चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई। आपका ये आ सकता है चौहान साम्राज्य की, जब अजयराज चौहान ने स्थापना की है, आपका चौहान जो आपका साम्राज्य, उसकी राजधानी किसे बनाया था, आपका अजमेर को क्या है, आपका चौहान साम्राज्य की क्या है, राजधानी बनाई थी। उसके बाद इसका नाम अजय मेर और फिर अजमेर बन गया। सबसे पहले इसका नाम पड़ा था आपका अजय मेर, बाद में आपका नाम सही क्या किया गया, अजमेर। अजय मेरू की स्थापना का पुरातात्विक व ऐतिहासिक प्रमाण 27 मार्च 1112 को बसाया गया आपका अजमेर। किसने बसाया था, आपका अजय राज चौहान ने क्या है, आपको इसको बसाया था। जो राजस्थान वाले हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। जो आपके 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसने स्थापित, सब आपकी जो 49वें चीफ जस्टिस ऑफ आपके इंडिया है, उसको शपथ किसने दिलाई है, जो शपथ है आपकी, आपका जो प्रेसिडेंट है, आपका प्रेसिडेंट जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनको शपथ दिलाते हैं। और जो आपके प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके बताएं, किसने कौन प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने 49 देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश, आपके जो उदय उमेश ललित हैं, जो 49 में क्या है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जिसे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्या है उनको शपथ दिलाई है, सीजीआई पद के लिए शपथ दिलाई। आज से वह जस्टिस यूयू ललित, जो यूयू ललित का 74 दिन का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस कौन होंगे, आपके उदय उमेश ललित। आपका एक कवि से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो आपका जो क्वेश्चन था कवि से रिलेटेड वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने आपको ये बता दिया। अगर किसी बच्चे ने चौथी शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पेपर दिया है, तो कवि का जरूर आप बताना कि आपका कौन से कवि से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो आपका फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया और क्या है न्यूजीलैंड में। पहले सबसे आपका जो पहली बार क्या है, दो होस्ट कंट्रीज को आपका होस्ट करवाएंगी फीफा वर्ल्ड कप, फिर जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है दो कंट्री एक साथ मिलकर करवाएंगी। उससे पहले पहले एक ही कंट्री क्या इसको होस्ट करवाती थी। ये आपका मॉर्निंग जो आपकी दूसरी शिफ्ट है उसमें भी फीफा वर्ल्ड कप से आपका क्वेश्चन आया था।
अभी भी आपका शाम की जो आपकी इवनिंग शिफ्ट है उसमें भी पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन। देखो कुछ कन्फर्म नहीं आपके आए नहीं आए हैं, बच्चों ने बताया तो, पर आपके क्वेश्चन कन्फर्म नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा बांध किस नदी पर है? महानदी पर बने इस बांध की लंबाई, आपका कोई बांध बनाया गया है 26 किलोमीटर है, जो देश का क्या है सबसे लंबा और दुनिया के लंबे बांधों में से एक का रिकॉर्ड स्थान रखता है। 1956 में बने इस बांध से सिंचाई की जरूरतों का काफी बेहतर तरीके से पूरा किया गया। इस डैम की वजह से काफी खूबसूरत झील का क्या है निर्माण हुआ। जो आपका फिर अगला क्वेश्चन बनता है, एक धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? सभी को पता होना चाहिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। मध्य प्रदेश में आपका धुआंधार जलप्रपात आपका जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्या पर्यटन स्थल है, जो 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला है। आपको पता होना चाहिए जो धुआंधार जलप्रपात, जो आपका जलप्रपात है आपका नर्मदा नर्मदा जी के ऊपर आपका क्या है धुआंधार जलप्रपात बनता है। आपका एक क्वेश्चन ये बनता है, नागार्जुन सागर बांध भारत की में, देखो थोड़ा सा ये वैसे क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है पर आने की संभावना है इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ। नागार्जुन सागर बांध भारत में हरित क्रांति को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना की एक श्रृंखला में जल्द से जल्द कृष्णा नदी पर एक चिनाई वाला बांध जिसे आधुनिक मंदिर कहा जाता है नागार्जुन बांध को। आपका देखो गंगा नदी है जो आपके भारत के में बहने वाली सबसे अधिक बांध आपके किस पे है? गंगा नदी पर क्या आपके सबसे अधिक बांध है, क्योंकि गंगा नदी पर लगभग 1,000 बड़े और क्या छोटे बांध या बिराज क्या है परियोजनाएं हैं। गंगा नदी पर सबसे ज्यादा आपके 1,000 छोटे बड़े क्या बांध परियोजनाएं हैं। गोदावरी नदी पर 350 से क्या अधिक बांध बिराज बने, जिनमें से सबसे पहले 19वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के आंध्र प्रदेश के राज मदुरू में बनाया गया था। राजमुदी आपका मदुरी है, जो सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के राजमुदुरी में बनाया गया था, जो आपका गोदावरी नदी पर है। आपका सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, जो अमेरिका के ग्रैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है कंक्रीट ग्रेविट बांध है। अगर बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको कंप्लीट सारे दिन की पीडीएफ एक बार ही क्या आपको प्रोवाइड की जाए, जिससे आप क्या उसको जल्दी से एनालाइज कर लोगे और पढ़ लोगे और उससे रिलेटेड आप चीजें देख लोगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।